दिन डीएम ने किया सीएमओ ऑफिस का औचक निरीक्षण। डीएम दीपक मीणा ने बृहस्पतिवार को सीएमओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कमियां मिलने पर सीएमओ बीके सिंह के साथ ही अनेक कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। शव वाहन सीएमओ कार्यालय परिसर में लंबे समय से खड़े होने पर भी डीएम नाराज हुए। जानकारी में पता चला कि ड्राइवर के अभाव में जिलेवासी इस सुविधा से वंचित हैं। डीएम ने सबसे पहले एनएचएम कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां पटल साहब द्वारा फाइल व्यवस्थित न होने के कारण गहरी नाराजगी जताई। पटल साहब द्वारा रखे दस्तावेजों तथा अलमारी में फाइलों का रखरखाव बेहद ही खराब इस दौरान मिला। डीएम ने पटल साहब को कड़ी फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश सीएमओ को दिए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मातृत्व अवकाश के प्रार्थना पत्र काफी समय से पेंडिंग पड़े हैं, जिस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। डीएम द्वारा कारण पूछे जाने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। वहीं चीफ फॉर्मेस्ट्री कक्ष के निरीक्षण पर सभी प्रकार के दस्तावेज अव्यवस्थित पाए गए। जीपीएफ पासबुक और सेवा पुस्तिकाएं चीफ फॉर्मेस्ट कार्यालय का भी निरीक्षण इस दौरान किया गया। डीएम ने सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया और सभी पटल सहायकों को निर्देश दिए कि अपने अपने कार्यालय की साफ सफाई दुरुस्त रखें। वहीं सीएमओ को निर्देश दिए कि रोस्टर के मुताबिक कार्यालयों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा पटल के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा निर्देशों की अवहेलना की जाए तो कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। पहले भी कई बार दो तीन बार लोगों की आई थी कि पर्टिकुलरली एक बाबू के अगेंस्ट में, जिसमें ये शिकायत करते थे कि स्टाफ के मैटर्स में लेट करते हैं और टाइमली चाइनीज की एप्लीकेशन या ढंग से प्रोसेस नहीं होती है, तो उन्हीं को चेक करने गए थे और कई हद तक उसमें पुष्टि भी पाई गई है, जिनमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और बाकी फिर गए भी थे तो और भी चीज़ें और भी नॉर्मल रूटीन में फाइल्स और सब चीज़ें चेक की थी, तो कमियाँ कई जगह पर ही हैं। फाइल्स ढंग से काफ़ी जगह मेंटेन नहीं है। बाकी ऑफिस के बगल में कोल्ड वैक्सीन कोल्ड स्टोर भी देखा गया था, वहाँ भी थोड़ी अभी जर्जर हालत है, वहाँ पे भी काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है जो लेके नहीं गए हैं। तो कमियाँ हैं, काफ़ी कमियाँ थी, वो सीएमओ साहब को पॉइंट आउट भी की गई हैं और आगाह भी किया गया है कि इंश्योर करवा लें कि कार्य प्रणाली 10-15 दिन में सही हो जाए और जो भी पेंडिंग मैटर्स हैं वो आप निपटा लें। अदरवाइज फिर अगर नहीं सुधार होता है, कार्य प्रणाली में नहीं सुधार होता है, तो फिर संबंधित के खिलाफ हमें शासन को अवगत करवाना होगा। सर यार पहले भी इसमें बात हुई है, शवान जब आया गया था तो इसमें ड्राइवर की व्यवस्था के लिए उस वक्त आउटसोर्सिंग से बोला गया था, पर बजट नहीं आया था। फिर उसके बाद बजट आ गया तो तब से इन लोगों के द्वारा टेंडर नहीं किया गया। आज सीएमओ साहब को ये बोला गया, इसमें भी लिखावटी में स्पष्टीकरण मैं ले रहा हूँ, पर बाकी उनको निर्देशित भी किया गया कि तत्काल आउटसोर्सिंग एजेंसी नामित करते हुए ड्राइवर की व्यवस्था करवाएं और शवान को चालू करवाएं।